गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मॉर्निंग मोटिवेशन वीडियो। आज का टॉपिक है एंट्रेंस वर्सेस एकेडमिक। एंट्रेंस को हम एकेडमिक की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है। एकेडमिक आई मीन टू से 10th का बोर्ड, जब भी हमने हमारा था 12th का बोर्ड, ग्रेजुएशन का बोर्ड है ना, उस समय हम एक महीने पहले नाइट मारते थे, फ्रेंड को बुला के चाय बनाते थे और रात भर पढ़ाई करते थे, एग्जाम में फोड़ के आते थे, राइट। तो ये हम सब ने किया हुआ है, राइट। बट एंट्रेंस में ऐसा नहीं चलेगा। एंट्रेंस में यू नीड टू हैव अ प्री प्लानिंग, प्री प्रिपरेशन, ठीक है। तो इसलिए आई कीप ऑन सेइंग 1 साल पहले, 2 साल पहले, 6 महीना पहले एटलीस्ट आपकी प्रिपरेशन चालू कर दो। बिकॉज एंट्रेंस में आपको बहुत सारे सेक्शन एक्सप्लोर करने हैं और बहुत सारे अपडेट्स रखने हैं आपको, ठीक है। जीके को लेकर के फिर आपको मैथ्स को लेकर प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको इंग्लिश अगर आपकी वीक है या एवरेज है तो उसके अलग अलग पैरामीटर्स पे काम करना है। लाइकवाइज लॉजिकल रीजनिंग इज देयर, ठीक है। सो एंट्रेंस में आपने एंट्रेंस को एकेडमिक से कंपेयर नहीं करना है। एकेडमिक में आपने 90% लाया होगा, दैट डज नॉट मीन कि आप एंट्रेंस में भी अच्छा फोड़ोगे। कोई गारंटी नहीं है एंट्रेंस की, कोई गारंटी इनफैक्ट है ही नहीं, ठीक है। या तो आपने एंट्रेंस में अपने एकेडमिक में कम परफॉर्म किया होगा, एवरेज स्टूडेंट थे आप, बट आप एंट्रेंस में फोड़ सकते हो। तो ये ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम है एंट्रेंस। तो डोंट कंपेयर योर एंट्रेंस एग्जाम विद द एकेडमिक, एंड मेहनत करते रहो। एंट्रेंस को पहले अच्छे समझो, व्हाट एंट्रेंस डिमांड्स, व्हाट एग्जाम डिमांड्स, एंड उसके हिसाब से आपकी प्रिपरेशन चालू करो, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।